हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अकाउंटेंट वार्डन या अन्य किसी पद पे दोस्तों कार्य कर रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि मिल गई है 3 अधिकारियों को कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के निरीक्षण की जिम्मेवारी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक अनामिका सिंह ने दोस्तों एक आदेश जारी किया है और ये आदेश स्वाभाविक भी था, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं, खासतौर पे बालिकाएं वहाँ पे अध्ययनरत रहती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए, उनकी प्रॉपर एजुकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे समस्त स्टाफ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में वर्क करें। अब वहाँ के जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं उन्हें 100% प्रेरणा पोर्टल पे अपनी अटेंडेंस देनी होगी, ये तो आदेश है। और इस आदेश का कितना अनुपालन हो रहा है उसको देखने के लिए 3 अधिकारी दोस्तों वहाँ पे विजिट करेंगे। जिस भी ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी भी जाएंगे, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा को तो जाना ही है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अब दोस्तों जिम्मेवारी मिल गई है कि वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट, अपनी आख्या दोस्तों प्रस्तुत करेंगे। तो आप बिल्कुल हो जाएं सावधान, क्योंकि 3 अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। आते हैं, देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ इस संबंध में जो पत्र निर्गत हुआ है दोस्तों, उसके आलोक में हम बातें करते हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, प्रेषक राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, सेवा में मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद औरैया एवं कानपुर नगर को छोड़कर। पत्रांक KGBV 21177/2020-21, दिनांक 2 अगस्त 2021 का दोस्तों पत्र है। आप पत्र का डेट अपनी आंखों से देख सकते हैं। विषय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रेरणा पोर्टल पर स्टाफ की 100% उपस्थिति और प्रेरणा ऐप पर निरीक्षण के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल विषय आपका अस्पष्ट है कि प्रेरणा पोर्टल पे स्टाफ की क्या होगी। प्रेरणा पोर्टल पे स्टाफ का प्रेजेंस होगा, पूरी की पूरी उपस्थिति होनी है, 100% उपस्थिति, और प्रेरणा ऐप पर निरीक्षण के संबंध में। तो उपस्थिति तो पूरे स्टाफ की होगी, निरीक्षण अधिकारीगण करेंगे। आगे चलते हैं। महोदय, अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 90/68-5-2020 दिनांक 11 फरवरी 2020 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क से जोड़ते हुए प्रेरणा प्रणाली के माध्यम से गतिविधियों के अनुसरण किए जाने हेतु प्रावधानित किया गया है। तत्क्रम में प्रेरणा पोर्टल पर स्टाफ की 100% उपस्थिति और फोटोग्राफ अपलोड कराए जाने विषयक निर्देश प्रदान किए गए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर दिनांक 30 जुलाई 2021 को प्रेरणा पोर्टल पर स्टाफ उपस्थिति अपलोड किए जाने की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालय में कार्मिकों की समयबद्ध उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। सूची भी संलग्न कर दी गई है, वहां देख सकते हैं कि किस जनपद में दोस्तों क्या स्थिति है। शासनादेश संख्या 1023/68-5-2019 दिनांक 30 सितंबर 2019 छायाप्रत संलग्न द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुरक्षा संरक्षा एवं निरीक्षण के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक महीने न्यूनतम 4 KGBV और जिला समन्वयक बालिका द्वारा प्रत्येक माह में 2 बार निरीक्षण तथा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने विकास खंड में स्थित KGBV का प्रत्येक सप्ताह प्रेरणा पोर्टल पर निरीक्षण प्रपत्र के माध्यम से ऑनलाइन आख्या अपलोड की जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्मिकों की उपस्थिति एवं अवस्थापना संबंधी गैप्स के निराकरण की स्थिति में शिथिलता परिलक्षित हो रही है।
अतः अनुरोध है कि प्रकरण की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करके केजीबीबी में सतत निरीक्षण कराते हुए कार्मिकों की 100% उपस्थिति, अवस्थापना गैप्स का संतृप्तिकरण कराने तथा उक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 15 अगस्त तक अवगत कराने का कष्ट करें। भवदी अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। ये पत्र दोस्तों प्रेषित हुआ है मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद औरैया एवं कानपुर नगर को छोड़कर, और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि दोस्तों डीजीएससी का फोकस महिला का जो विंग है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ओर है, ये स्वाभाविक भी है। और चूंकि यहाँ पे जो बालिकाएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर तबके से बिलोंग करती हैं, उनके सशक्तिकरण का मामला है, उनके शिक्षा दीक्षा का मामला है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कड़ाई दोस्तों हो रही है, जो कि स्वाभाविक जान पड़ता है, होनी भी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन काम कर रहे हैं, या वहाँ पे अकाउंटेंट वार्डन या किसी भी स्टाफ के रूप में वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो आप हो जाएं बिल्कुल होशियार और तैयार, क्योंकि 3 अधिकारी आपके निरीक्षण के लिए आपके विद्यालयों में आने हैं, और प्रत्येक माह जो है आपका निरीक्षण इन 3 अधिकारियों द्वारा होना है। और जैसे कि आपकी उपस्थिति है वो प्रतिदिन प्रेरणा पोर्टल पे के माध्यम से ही होनी है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल अलर्ट रहने हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देंगे, बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।